हमने ये एक छोटा सा खेल बनाया है, इसमें आप देख रहे हैं कि हमने 40 से लेकर 50 तक की संख्याओं को यहाँ इस प्रकार से अंकित किया है। मेरे पास ये एक छोटी सी रंग बिरंगी कार है और इसकी मदद से आज हम सन्निकटन देखेंगे। सबसे पहले जैसे ही मैं इस कार को 40 पर रखता हूँ तो ये कार और कहीं नहीं जाती, 40 पर ही रहती है। इसका मतलब 40 का सन्निकटन है 40। यदि मैं इस कार को 41 पर रखता हूँ तो यह 40 की तरफ को जाने के लिए अग्रसर होती है। 42 पर रखता हूँ तब भी यह 40 पर जाने की कोशिश करती है। 43 पर रखता हूँ तब भी ये कार 40 की ओर आती है। और इसी प्रकार 44 पर जब मैं इस कार को रखता हूँ तब भी यह 40 पर ही आती है। इसका मतलब 41, 42, 43 और 44, इन सभी संख्याओं का दहाई सन्निकटन है 40। आइए देखते हैं, यदि मैं इस कार को 45 पर रखूं, तो ये कार ना तो 40 की तरफ जाती है ना ही 50 की तरफ जाती है। इसका मतलब ये है कि 45 का सन्निकटन देखने के लिए हमें देखना होगा कि इसका दहाई संख्यांक क्या है। यदि यह 5 से बड़ा होगा तो यह 50 की तरफ जाएगा, और यदि यह 5 से छोटा होगा तो इसका सन्निकटन 40 होगा। आइए अब देखें कि यदि ये मेरी रंग बिरंगी कार, इसे मैं 46 पर रखूं तो क्या होगा। अरे ये तो 50 की तरफ चली गई। इसी प्रकार से 47 पर रखूंगा, 48 पर रखूंगा या 49 पर रखूंगा तो ये कार 50 तक जाती है। इसका मतलब 46, 47, 48 और 49, इन सभी संख्याओं का दहाई सन्निकटन है 50। तो देखा आपने, एक छोटी सी कार की मदद से हम कैसे दहाई सन्निकटन को आसानी से सीख सकते हैं।